हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है रास्टर स्कैन सिस्टम्स का। तो हमने रास्टर स्कैन डिस्प्ले एक देखा था और दूसरा था हमारे पास में रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो आज के इसमें हम लोग रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, अब जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें वीडियो डिस्प्ले करने के लिए एक अलग सा प्रोसेसर होता है जिसको हम बोलते हैं वीडियो कंट्रोलर या फिर डिस्प्ले कंट्रोलर। और ये यूज़ होता है हमारा डिस्प्ले करने के लिए, हमारी स्क्रीन के ऊपर में जो भी डिस्प्ले होता है वो सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में वीडियो कंट्रोलर या फिर जिसको डिस्प्ले कंट्रोलर भी बोलते हैं वो चीज़ होती है। अब ये कैसे काम करता है वीडियो कंट्रोलर हमारा, ये एक छोटे से डायग्राम में हमको दिखाया है यहाँ पे। तो हमारा जनरली पूरा कंप्यूटर एक सिस्टम बस के थ्रू कनेक्टेड होता है, उसको हमारा CPU कनेक्टेड होता है, हमारे सिस्टम की मेमोरी जो भी है वो कनेक्टेड होती है, और इसी के साथ में हमारा वीडियो कंट्रोलर भी कनेक्टेड होता है। और ये जो वीडियो कंट्रोलर है ये कनेक्टेड होता है हमारे मॉनिटर को। तो इसीलिए ये वीडियो कंट्रोलर जो है ये कैसे काम करता है अगले डायग्राम में हमको और डिटेल में बताया गया है। पर ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है सिंपल रास्टर ग्राफिक सिस्टम का। अब क्या होता है कि CPU अपना काम करता है, सिस्टम मेमोरी अपना काम करता है, और वीडियो कंट्रोलर क्या करता है, जितना भी वीडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी वीडियो कंट्रोलर करता है। सिस्टम मेमोरी के अंदर में एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसके अंदर में हमारी जितने भी हमारे वीडियोज़ रहने वाले हैं, जितने भी इमेजेस रहने वाली है या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहने वाली है वो एक फ्रेम बफर के अंदर में स्टोर होता है, क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम दिखता है हमको मॉनिटर के ऊपर में, तो हमारा फ्रेम बफर के अंदर में स्टोर होता है। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या आता था कि सिस्टम मेमोरी के अंदर ही फ्रेम बफर होने के वजह से सिस्टम मेमोरी के साथ में वो मिक्स हो जाता था, और सिस्टम मेमोरी प्लस फ्रेम बफर मेमोरी दोनों साथ में काम करते थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि फ्रेम बफर मेमोरी की वजह से सिस्टम मेमोरी इम्पैक्ट होती थी। तो इसीलिए हमने फिर आगे बढ़ के जब धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किए हमारे ग्राफिक सिस्टम्स तो हमने फ्रेम बफर को अलग से निकाल लिया, ठीक है। पर ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है पहले जो हमको पढ़ना था। अब देखिए ये जो दूसरा डायग्राम है इसमें हमारे जो पिछले आर्किटेक्चर के प्रॉब्लम्स थे उनको रिकवर किया है। जैसे कि एक सिंपल चीज़ की है, हमने यहाँ पे सिस्टम मेमोरी और फ्रेम बफर को यहाँ पे अलग कर दिया है हमने। दोनों अगर आप डायग्राम्स कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, एक फ्रेम बफर अलग से बनाया है और सिस्टम बस के थ्रू ग्राफिक्स कंट्रोलर के पास ना जाते हुए डायरेक्टली फ्रेम बफर के थ्रू हम लोग वीडियो कंट्रोलर के पास भेज रहे हैं ताकि हमारा प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। अब क्या हो गया कि सिस्टम मेमोरी अलग होने की वजह से हमारे सिस्टम की मेमोरी को कभी भी तकलीफ नहीं जाएगी, ग्राफिक्स कितना भी बड़ा या छोटा रहे। तो दोनों के लिए डेडिकेटेड मेमोरी अलग अलग से बना दी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक रास्टर सिस्टम जिसके अंदर में हम लोग फिक्स पोर्शन ऑफ द सिस्टम मेमोरी रिजर्व करके रखते हैं फ्रेम बफर के लिए। अब और एक चीज़ हमारे पास में है, जो हमारी स्क्रीन होती है, स्क्रीन कभी भी चालू होती है हमारी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में से, मतलब यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि हमारा जो फ्रेम का, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन है वो डिफाइंड रहता है एट द लोअर लेफ्ट स्क्रीन कॉर्नर, मतलब लोअर लेफ्ट मतलब ये वाला, ठीक है। द स्क्रीन सर्फेस इज देन रिप्रेजेंटेड एट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द टू डायमेंशनल सिस्टम। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा रहता है कि हमारे एक्स के वैल्यूज इस साइड में बढ़ते जाते हैं और हमारे वाई के वैल्यूज इस साइड में, मतलब बॉटम टू टॉप बढ़ते जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि विथ पॉजिटिव एक्स वैल्यूज हमारी राइट की तरफ बढ़ती है एंड पॉजिटिव वाई वैल्यूज हमारी फ्रॉम बॉटम टू टॉप बढ़ती है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, हमारा जो यानी कोऑर्डिनेट का स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा वो 0 0 रहेगा और हमारा जो मैक्सिमम जो स्क्रीन पोजीशन है, मतलब मैक्सिमम स्क्रीन जहाँ तक पहुँच रही है वो हमारा एक्स मैक्स से डिनोट होगा। वैसे ही हमारा जो बॉटम है वो हमारा 0 से चालू होगा वाई का और ऊपर का पार्ट रहेगा हमारा वाई मैक्स, ठीक है। अब जो ये बेसिक हम लोग वीडियो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, वीडियो कंट्रोलर कैसे काम करता है उसका वर्किंग दिया है हमने। वीडियो कंट्रोलर तो बस ऊपर में बताया था कि वीडियो कंट्रोलर रहता है, पर वीडियो कंट्रोलर एग्जैक्टली क्या करता है वो हमको इस डायग्राम में बताया हुआ है। क्योंकि हम लोग रास्टर स्कैन डिस्प्ले पढ़ रहे हैं तो हमारा रास्टर स्कैन जनरेटर क्या करेगा कि हमको कौन सा पिक्सल चाहिए वो जनरेट करेगा। तो इसीलिए वो पिक्सल कौन से एक्स एक्सिस पे और कौन से वाई एक्सिस पे आने वाला है वो सबसे पहले बताएगा कि एक्स रजिस्टर में क्या जाना चाहिए और वाई रजिस्टर में क्या जाना चाहिए। अब ये दोनों कंबाइन करके हमको एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा उस पिक्सल का। अब ऐसा हर एक पिक्सल का हमको मेमोरी एड्रेस मिलते जाएगा और वो स्टोर होगा हमारा पूरा का पूरा फ्रेम बफर के अंदर में, एक फ्रेम, ठीक है। और आखिरी में जब हमको डिस्प्ले करना है तो एक पिक्सल रजिस्टर रहेगा जो कि स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी सेट करके उसको रजिस्टर कर लेगा, मतलब प्रिंट कर लेगा स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा बेसिक वीडियो कंट्रोलर रिफ्रेश ऑपरेशंस। अब जो रास्टर स्कैन के अंदर में ही एक और टॉपिक है हमको, वो है रास्टर स्कैन डिस्प्ले प्रोसेसर, ठीक है। तो अभी एक फिगर दिया हुआ है हमको जिसके अंदर में एक सेपरेट डिस्प्ले प्रोसेसर दिया है हमारे रास्टर स्कैन डिस्प्ले को ही, जिसको हम ग्राफिक्स कंट्रोलर या फिर डिस्प्ले को प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो उसका पर्पज़ क्या है, द पर्पज़ ऑफ द डिस्प्ले प्रोसेसर इज टू फ्री द CPU फ्रॉम द ग्राफिक्स कोर्स इन एडिशन
to the system memory. A separate display processor memory area can also be provided. अब देखिए डायग्राम देखते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने हमारा CPU जो है और हमारी सिस्टम मेमोरी जो है, हमने CPU और सिस्टम मेमोरी को एकदम अलग कर लिया और एक चीज़ हमने सिस्टम बस में जोड़ दी, सीधा सीधा डिस्प्ले प्रोसेसर. अब डिस्प्ले प्रोसेसर की खुद की मेमोरी भी रहेगी और खुद का एक फ्रेम बफर भी रहेगा. यानी सिस्टम मेमोरी में से फ्रेम बफर हमने अलग किया था पहले और अभी एकदम से उसको फ्रेम बफर अलग ही डिस्प्ले प्रोसेसर के अंदर डाल दिया. और CPU के अंदर जो हमको डिस्प्ले का प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर जो हमारा यूज़ कर रहा था CPU की मेमोरी, वो भी हमने अलग से डिस्प्ले प्रोसेसर मेमोरी डाल दी. तो अब क्या होगा, सिस्टम बस से कनेक्टेड हमारा डिस्प्ले प्रोसेसर, वो डिस्प्ले प्रोसेसर मेमोरी भी अलग से है जिसके अंदर में हमारा पूरा ग्राफिक्स प्रोसेस होगा, स्टोर भी होगा और वीडियो कंट्रोलर के पास जाके हमारे मॉनिटर के ऊपर प्रिंट भी होगा. ठीक है, अब जब हम प्रिंट करने की बातें कर रहे हैं तो हम दो टाइप से प्रिंट कर सकते हैं. हम इस तरीके से ग्रिड्स बना सकते हैं. ये जो ग्रिड्स बनी हुई है यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है, इनके अंदर में हम पिक्सल्स को इल्यूमिनेट करते जाएंगे. जो जो पिक्सल मुझे चाहिए उसको मैं वन करते जाऊँगा, उसकी वैल्यू मैं वन करते जाऊँगा. तो इस तरीके से मेरा एक यहाँ पे बी डिस्प्ले हो रहा है. तो ये एक तरीका हो गया हमारे पास में कि हम रेक्टेंगुलर ग्रिड बना के उसके अंदर में डॉट डॉट्स हम बना सकते हैं. दूसरा एक तरीका है जिसके अंदर में डॉट्स तो रहेंगे लेकिन ये जब ज्वाइन होंगे तब ये कर्व्स में ज्वाइन होंगे. यानी इस तरीके से ज्वाइन होंगे कि हमारा पूरा एक कर्व्ड सरफेस और काफ़ी अच्छा सरफेस हमको दिखना चाहिए, और ये इस तरीके से ज्वाइन होंगे कि हमको एक काफ़ी अच्छा कैरेक्टर दिखना चाहिए जो कि एज़ कम्पेयर टू हमारा जो प्रीवियस था रोज और कॉलम्स, उसके मुकाबले काफ़ी बेटर दिखेगा. लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एक फ़र्क रहेगा कि हमारा जो ये वाला तरीका है इसको मेमोरी कम लगेगी और फास्ट प्रोसेस होगा, वेयरएज हमारे यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस आएंगे, यहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगे पूरे इसको करने के लिए, और थोड़ा स्लो रहेगा एज़ कम्पेयर टू हमारा प्रीवियस तरीका. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आपको कुछ भी डाउट्स है रिलेटेड टू द वीडियो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.